छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में शहीद हुए जहानाबाद के जवान गोपाल शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास पहुंचा। शहीद जवान के आखिरी दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी सहित स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहे। 2017 मार्च में लगा था। तो कहां पहला पोस्टिंग कहां? पहला पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद नहीं है। पिछले बार कब आए थे? जुलाई में आए थे। कितने दिन रहे थे? 45-50। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? यह बार अब तो पौने एक में से सूचना मिला कि हम डिप्टी कमांडेंट होते हैं श्री गोपाल का करंट से दुखद घटना हो गई। देखिए हम लोग अमर शहीद श्री गोपाल जी के अंत्येष्टि में गौरवपूर्ण अंत्येष्टि में हम लोग शामिल होने आए और ये सीआरपी के 170 बटालियन में बीजापुर में छत्तीसगढ़ में तैनात। गुमला में सभी विधानसभा सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वहीं पूर्णिया के महिला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां मतदान के बाद ईवीएम को जमा किया जाएगा। जमुई के झाझा में रतनपुर के निकट सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत को लेकर मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृत महिला की पहचान हरना गांव निवासी रामदेव यादव की पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर के नवगछिया के NH 31 पर भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई जहां ट्रक चालक फरार हो गया। हम कुरसेला से दीरा से पार होके जा रहे थे नाथनगर डॉक्टर के यहाँ। लकवा पेशेंट था, 3 बापू थे हम और भाई और पापा। भाई पीछे से 10 चक्का आया, धक्का मार के भागते चला गया। मसौरी के बालकचक गांव में तालाब में डूबने से एक 45 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई है। मृत की पहचान रामजी बिंद के रूप में हुई है। वहीं घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची है जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सहरसा जिले के महिषी और सिमरी बख्तियारपुर में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। जिले में कई जगह पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है। वहीं बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं।